सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो झारखंड के कैंडिडेट, ठीक है, या बिहार के ही अगर आप कैंडिडेट हैं, आपका रेसिडेंशियल है झारखंड, वहां से आपने 10th 12th किया हुआ है, जो भी हैं, जेसीईसी 2022 के कैंडिडेट जो कि जेसीईसी 2022 एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, जिसमें मैं पूरा आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझाऊंगा, आपको सिलेबस समझाऊंगा, कहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना मार्क्स मिलता है सही के लिए, क्या नेगेटिव मार्किंग है, किस ग्रुप वाले को क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, ऑल डिटेल्स जेसीईसी का सारा जानकारी आज इसको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले 2-3 काम आप कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जेसीईसी रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ऑल ऑफ यू मस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप, ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए वो ग्रुप। तीसरी बात, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल यानी कि 1 अगस्त को हम जेसीईसी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप लोग को पढ़ाएंगे जेसीईसी का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, कंप्लीट कोर्स जेसीईसी 2022 कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। फी बहुत मिनिमम, बहुत गरीब से गरीब बच्चा अफोर्ड कर सकता है, इतना मिनिमम है, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबको, जेसीईसी का क्लास चलेगा 1 अगस्त से। अगर आप 1 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो ऑलरेडी लॉन्च है, हमारे ऐप में जाइए, स्टोर में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा 3 चीज जो आप कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं इस एग्जाम। सबसे पहले जेसीईसी एग्जाम कौन दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, 12th आप पास आउट होना चाहिए। अपियरिंग तो आपको रहा नहीं होगा, सबका रिजल्ट आ गया, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एसएससी हो, सबका रिजल्ट आ चुका है। 12th आप पास होना चाहिए, चाहे आप 2022 से हो, 21 से हो, डजंट मैटर, आपका 12th के पास आपका डिग्री होना चाहिए। कोर्स ग्रुप क्या क्या होना चाहिए, आप पीसीएम से 12th की होने चाहिए, या पीसीबी पीसीएम और पीसीएमबी, ये 3 ग्रुप से आप 12th किए हुए होना चाहिए, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी हो, मैथ हो, डजंट मैटर, ठीक है। ये 3 ग्रुप वाले का इसमें स्कोप है। अब बात आते हैं कि इसमें हमको क्या क्या चीज में एडमिशन मिलेगा, कि भाई जब हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तो हमको उसका एग्जामिनेशन पैटर्न मालूम रहना चाहिए, कि इस एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे पढ़े जो एग्जाम निकल जाए, ये सब मालूम होना चाहिए ना। आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं, ये एक एंट्रेंस है, और विश्वास मानिए कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं इसमें, टॉप के झारखंड के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो जरूर से जरूर इसमें एडमिशन लीजिए, आप एंट्रेंस दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, और इसमें जो है आप एडमिशन लीजिए, इसके लिए आपको बहुत अच्छा होगा फॉर फ्यूचर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं। तो अगर आप जेसीईसी क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको किस किस चीज में एडमिशन मिलेगा। सबसे पहला है एग्रीकल्चर मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है ऑल ओवर इंडिया में। एग्रीकल्चर अगर किसी सरकारी कॉलेज से कर लेते हो आप, कुछ आपको सोचने का जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा स्कोप है, मार होता है इसके लिए, खासकर बिहार झारखंड में आप देखिएगा, बहुत डिमांडिंग कोर्स है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है, और आप क्लियर कर सकते हो एस्पेक्ट विजन की मदद से, हम आपको ऐसा तैयारी करवाएंगे कि आप क्लियर कर लोगे ये चीज। एग्रीकल्चर, दूसरा फॉरेस्ट्री में भी आप बीएससी कर सकते हो, इसमें भी जा सकते हो आप थ्रू जेसीईसी 2022। हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे कोर्सेस हैं, नर्सिंग के बहुत सारे कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग है, बीटेक भी आप कर सकते हो, अगर आपका पीसीएम है या पीसीएमबी है तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। फिशरीज कॉलेज ऑफ फिशरीज है, बहुत सारे फिशरीज कोर्स में कर सकते हो। फॉरेस्ट्री दो बार मैंने लिख दिया है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, डीटी है, डेयरी टेक्नोलॉजी। टोटल कोर्स की हम बात करें तो एग्रीकल्चर है, नर्सिंग है, बी फार्मा है, आपका बी फार्मा में होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दोनों है, बीएचएमएस का कोर्स है, बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री है, मेनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेस है इसमें, बिहार के कंपैरिजन में भी आप देखिएगा तो इसमें कोर्स की अमाउंट ज्यादा है, कोर्सेज की संख्या इसमें ज्यादा है। तो टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है भाई, एडमिशन तो होना ही होना है, हम आपके साथ है तो एडमिशन कैसे नहीं होगा, एडमिशन बिल्कुल होगा प्रॉपर। देखिए कहीं पर भी एडमिशन के लिए आपको चाहिए क्या, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, क्या चाहिए बाबू, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो गाइडेंस आपको एस्पेक्ट विजन की पूरी टीम प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए लग जाइए, जुट जाइए, फॉर्म अब आने वाला है, 5 से 10 दिन के अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म का इंतजार बिल्कुल नहीं कीजिए, कभी भी फॉर्म आए एग्जाम तो आपका होना ही है, तैयारी में अभी से लग जाइए, कल से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में ज्वाइन होइए और लग जाइए एकदम तैयारी में, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पहला है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिन्होंने 12th जो है पीसीबी ग्रुप से किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहेंगे, उसमें पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के, ठीक है। जो बंदे पीसीएम से 12th किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, 50 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 50 क्वेश्चन मैथ से, ठीक है,
50 क्वेश्चन फिजिक्स से, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 50 क्वेश्चन मैथ से। जो लोग पीसीएमबी से 12th किए हुए 50 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 50 केमिस्ट्री से, 50 मैथ से और 50 बायोलॉजी से, ठीक है। ये आपका हुआ पीसी, ये तीनों इतना क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब बात रही कि भाई मेरा एग्जाम कितने देर का होगा, सब चीज समझना आपको जरूरी है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए एग्जाम आपका 3 घंटे के लिए होगा आपका पीसीएम पीसीबी के लिए, ठीक है। 3 घंटे के लिए आपका एग्जाम होगा फॉर पीसीएम एंड पीसीबी, जिसमें आपको क्वेश्चन की संख्या रहेगी टोटल 150 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बाबू? 150 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पीसीएमबी वाले का जो एग्जाम होगा वो लोग 4 घंटे का एग्जाम देंगे, जिनका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का? 200। वही अगर बिहार की बात करें तो इसमें जो है एक क्वेश्चन में वहां पे 4 मार्क्स दिया जाता है, बट जेसीसी में एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स दिया जाता है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा सही सही में, ठीक है। गलत होता है तो निगेटिव मार्किंग है 1/4 का, यानी कि एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ आपका तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर निगेटिव मार्क्स, 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर निगेटिव। जो कोर्स हम ला रहे हैं बाबू उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, जिनका हिंदी लैंग्वेज है, जो कि स्टेट बोर्ड से आप अपना 12th किए हुए वो लोग हिंदी लैंग्वेज है वो लोग भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में आपका सब कैटेगराइज रहेगा। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज है सीबीएसई आईसीएसई पास आउट या बिहार बोर्ड वाले भी बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आगे का सफर हमारा। अच्छे से आप पढ़िएगा, अच्छे से आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है आपको। देखिए दूसरी बात, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का एक बात ही अलग होता है। आप अपने माइंड में एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको भाई गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, हमको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना। और इन सब कोर्स ऐसा है ना, ये सब कोर्स ऐसा है गवर्नमेंट कॉलेज का जिसमें आप गए एक बार तो आपका फ्यूचर तो सिक्योर हो ही जाएगा, इसमें नो डाउट फ्यूचर आपका अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। सब लोग क्या कीजिए बाबू, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद कल यानी 1 अगस्त को हमारा कोर्स ला रहा है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जाइएगा वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कल भी एक वीडियो हम डालेंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कैसे कैसे कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। और अगर 1 अगस्त के बाद देख रहे हैं तब तो कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ये वीडियो में इतना ही था, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आपको हम डिटेल सिलेबस बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। और कोर्स जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।